दोस्तों अगर आप लोगों ने फोनपे के अकाउंट से बैंक अकाउंट लिंक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को ये नोटिफिकेशन मिल रहा है अनअवेलेबल टू ऐड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं और आप लोग अपने फोनपे के अकाउंट से बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अपने फ़ोनपे से बैंक अकाउंट लिंक करने की जो है यहाँ पे प्रोसेस को जो है फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को बार बार यही प्रॉब्लम आप लोग को फेस करनी पड़ रही है अनअवेलेबल टू बैंक अकाउंट। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग को ये प्रॉब्लम को फिक्स करके बता देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुश और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाइए। तो यहाँ पे वॉइस डिफ़ॉल्ट सभी के फ़ोन में सेटिंग मिल जाती है, चले जाइए। यहाँ पे आप लोग को मिलेगा ऐप्स एप्लीकेशंस, तो आप लोग देख लीजिए कि आपके फ़ोन में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं मोर सेटिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एप्लीकेशंस पे जाऊँगा और इंस्टॉल्ड पे जाऊँगा और इंस्टॉल्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारा जो सारी के सारी जो फ़ोन में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोग को फ़ोनपे को फाइंड कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ, ये रहा फ़ोनपे, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसका जो डेटा है यहाँ पे स्टोरेज पे जाऊँगा और क्लियर कैच है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा और इसका जो क्लियर कैच है वो मैं यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्लियर डाटा भी आप लोग को यहाँ पे इसको जो है क्लियर कर देना होगा और इसके बाद यहाँ पे आप लोग का फ़ोनपे यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप लोग को एक काम करना है, यहाँ पे आप लोग को फ़ोनपे एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना होगा। अब यहाँ पे आप लोग जैसे फ़ोनपे को इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे आप लोग का फ़ोनपे का अकाउंट क्रिएट था। तो मैं यहाँ पे फटाफट से मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करूँगा और अलाउ करके इसको मैं परमिशन दूँगा और इसके बाद हमारे नंबर पे एक OTP आएगी और वो OTP यहाँ पे मैं फिल करूँगा, यहाँ पे मैं परमिशन दे दूँगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखेंगे हमारा जो फ़ोनपे एप्लीकेशन वो यहाँ पे ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप फ्रेंड्स यहाँ पे जो माई मनी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग जो है UPI बैंक अकाउंट यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को मिलेगा एड न्यू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग अपने जो भी बैंक अकाउंट लिंक करने जाएं तो यहाँ पे वो आप लोग के बैंक अकाउंट से जो है सेम मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, उसी से आप लोग का बैंक अकाउंट नंबर जो है लिंक होना चाहिए और उसी से आप लोग का फ़ोनपे अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग के पास जिससे फ़ोनपे अकाउंट है उससे ही आप लोग का बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए और वहाँ पे वो नंबर आपके इसी फ़ोन में पड़ा होना चाहिए। तो हमारा जो बैंक ऑफ इंडिया है उसमें हमारा जो है यही वाला नंबर है, हमारा जो है रजिस्टर्ड है, लिंक है। तो यहाँ पे ये मेरा प्रोसेस जो है एकदम सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये मिस होता है आपका नंबर यहाँ पे बैंक अकाउंट में लिंक नहीं होता है तो यहाँ पे आपका जो है बैंक अकाउंट आपके फ़ोनपे से लिंक नहीं होगा। तो ये आप लोगों को कंडीशन एक फॉलो होती है तो आप लोगों का बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे नंबर पे जो है कम से कम 10 रुपये होने चाहिए, 10 रुपये या 15 रुपये होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चार्जेस लगते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए। तो यहाँ पे आपके नंबर पे कुछ रिचार्ज होना चाहिए, कुछ पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना जो बैंक है सर्च कर लेता हूँ, बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे मैं सर्च करने के बाद टाइप करूँगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रही बैंक ऑफ इंडिया, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये हमारे जो बैंक को फाइंड करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो बैंक है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं डन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे मुझे मैसेज भी आ चुकी है और इसके बाद डन का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बैंक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहीं से मैं अपना जो एम पिन डाल के यहाँ पे मैं इसको जो है बैलेंस यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग बैलेंस, अपना एम पिन डालूंगा, एम पिन डालने के बाद राइट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो यहाँ पे चेक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट ऐड करने में ये प्रॉब्लम आप लोग को फेस करनी पड़ती है अनअवेलेबल बैंक टू लिंक, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस बस यही थी आज की वीडियो, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर से एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस नहीं, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।